हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी वीदर फोरकास्ट, उत्तर प्रदेश के इन जनपदों में फिर तेज बारिश की चेतावनी, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों में फिर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल पर आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन जाते जाते मौसम अपना असर दिखा सकता है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी बीच आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी तिवारी के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी भाग से मानसून लगभग विदा हो चुका है, लेकिन अगले 2 या 3 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, आपको बता दें, सुल्तानपुर सहित कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अब भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग द्वारा लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बहराइच, वाराणसी, हरदोई, अमेठी के अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से लखीमपुर खीरी में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने और गैर जरूरी यात्राओं को रद्द करने की सलाह दी है। राजधानी लखनऊ में हल्की और मध्यम बारिश होने के साथ अगले 24 घंटे तक मौसम यूं ही बने रहेंगे। इधर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसके अतिरिक्त प्रयागराज, सुल्तानपुर, बैराज में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। वाराणसी, हरदोई, अमेठी में अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में और बारिश बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कल सुबह तक भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। हालांकि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गंगा घाटी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार की ओर स्थानांतरित हो गया है। इसी बीच आपको बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कुछ इलाकों में इस सप्ताह भारी बारिश हो सकती है। इसी बीच अगर बात करें बिहार की, तो आपको बता दें, मौसम विज्ञानियों की माने तो एक कम दबाव का क्षेत्र पूरे बिहार के ऊपर बना हुआ है। दूसरी ओर एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से बिहार और उससे समीपवर्ती जगहों पर होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव के कारण कई हिस्सों में भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान है। वीडियो के अंत में चलिए जानते हैं कि किन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, कासगंज, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाजापुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी।